दोस्तों यहाँ से शुरू होती है अपनी अटल टनल। बोले तो ये एक फ्लाईओवर है जो इसको कनेक्ट करता है। यहाँ से कनेक्ट होके अटल टनल ये रही। राइट सो ब्रदर, यहाँ से शुरू होती है। ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, एक जगह साउथ है, तो दोनों का अलग अलग लोकेशन है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ बाइक लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। आपको पसंद आ रहा होगा अटल टनल का व्यू। तो ये करीब 9 किलोमीटर की है, बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है। जो स्पीड है यहाँ पे 40 होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 की स्पीड यहाँ पे होगी। और देखो सामने से मेरे शॉट्स हो रहे हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया शॉट्स आ रहे हैं। इंसेन, जबरदस्त टनल बनाई हुई है। तो पहले जो लोग रोहतांग जाते थे, रोहतांग अब उनको नहीं जाना पड़ता। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप सिसू जाना है आपको, या कहीं और स्पीति साइड पे जाना है, तो आपको रोहतांग से नहीं जा सकते थे क्योंकि रोहतांग का रास्ता पूरा ब्लॉक होता था, लेकिन विंटर में। लेकिन अब ये टनल बनने के बाद ये 365 दिन चलती रहती है, कंप्लीट ईयर ये टनल वर्किंग है। करीब 9 किलोमीटर के बाद, और तो और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वहाँ बारिश नहीं आ रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। ओह माय गॉड, उस तरफ बिल्कुल बारिश नहीं थी और इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आके हटी है बारिश। थैंक्स एंड विजिट अगेन। जो ट्रक जो I-20 था ना आपको, हाँ ओवरटेक किया, आप इधर साइड आ रहे थे उधर साइड आ रहे थे, ओवरटेक किया ना, हाँ जब टनल से एग्जिट किए उसको, हाँ पकड़ लिया और फाइन भी करेगा उसको। अच्छा, ट्रक वाले आगे वाला, हम लोग के ट्रक के आगे जो चल रहा था वो क्या इंडिगो या ऐसा नहीं, स्विफ्ट था, हाँ उसने ट्रक को ओवरटेक किया था, मैंने देखा था, वो उसको भी पकड़ लिया। ओके, तो मतलब कि अगर कोई किसी को ओवरटेक करता है तो दर्द पहुंचेंगे। हाँ ओवरटेक, तो वो मींस कि 24/7 वो वॉच करते रहते हैं और ऑन द स्पॉट वो क्या पकड़ लेते हैं। जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे ही वायलेशन होगा सेंसर बजेगा, हाँ साउंड बजेगा, मजा आ गया, हमें ओवरटेक करेगा। अरे आप